कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा आज का फोर्थ वीडियो है नेटवर्क डिवाइस का। तो इस वीडियो में हम रिपीटर नेटवर्क डिवाइस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिपीटर नेटवर्क डिवाइस, फुल एक्सप्लेनेशन, इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका यूज़ क्या है, इन सभी चीज़ों को कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। तो रिपीटर डिवाइस का एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है? रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस थ्रू विच वी कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वीक सिग्नल को बूस्टअप कर सकते हैं, यानी वीक सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस इतना ही इसका पर्पस होता है यूज़ करने का। यह क्या करता है, वीक सिग्नल को बूस्ट कर देता है। नीचे लाइन में क्या लिखा है, व्हेन द सिग्नल ट्रैवल्स इन द नेटवर्क आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल बिकम्स लो। जब हमारा सिग्नल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो वो क्या करता है, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो लो हो जाता है। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हमारा सिग्नल, ये नेटवर्क में कर रहा है, ठीक है। तो कुछ दूर के बाद जाने के बाद नेटवर्क का जो सिग्नल है इंटेंसिटी वो लो हो गया। तो अभी जब वो लो हो जाएगा तो वहाँ तो सिग्नल नहीं पहुँचेगा, वीक सिग्नल हो चुका है। तब क्या होगा, इन ऑर्डर टू रीजनरेट द वीक सिग्नल वी शुड यूज़ रिपीटर डिवाइस। अगर आपको उसी वीक सिग्नल जो यहाँ पे लो हो गया था उसी को फिर से रीजनरेट करना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको रिपीटर डिवाइस यूज़ करना है। और उस केस में आपको यही यूज़ करना भी चाहिए। ये क्या करेगा, उस वीक सिग्नल को रीजनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको फिगर दिखता होगा, हमारा ये सिग्नल इधर देखिए डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क में। तो पहले इसका इंटेंसिटी इतना था, फिर घटते 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 ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये सिग्नल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है, इसका इंटेंसिटी लो हो चुका है। अब अगर हमें इस सिग्नल को आगे यूज़ करना है, अगर हम इस रिपीटर डिवाइस को यूज़ नहीं करेंगे तो ये थोड़ा दूर आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिपीटर डिवाइस यहाँ पर देखो यूज़ कर दिया है। तो ये क्या करेगा, इस वीक सिग्नल को रिबूस्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से इसका इंटेंसिटी पहले जितना ही हाई हो गया। जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे इसका इंटेंसिटी स्टार्टिंग में था वहीं पे अभी यहाँ भी है। तो ये रिपीटर का यही काम होता है, आपके वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देना। तो ये फिगर था रिपीटर का। आपको याद क्या रखना है इसमें, इट इज़ यूज्ड इन वायर्ड एंड वायरलेस। आप रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का यूज वायर और वायरलेस दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में रिपीटर का यूज़ कहाँ पर आपने देखा होगा, आज से 4-5 साल पहले याद करिए, केबल टीवी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। केबल टीवी में किस तरह से हमारा जो नेटवर्क का सिग्नल है वो एक वायर से आता था, तो वो कुछ दूर बाद आने के बाद उसका जो सिग्नल है वीक हो जाता था। तो आप खंभा में देखे होंगे कि काला कलर का बॉक्स लगा रहता था, वो काला कलर का बॉक्स ही रिपीटर है। तो रिपीटर क्या करता था, उस सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देता था ताकि आपका जो टीवी का पिक्चर क्वालिटी है वो पहले जैसा ही हाई रहे, उसका जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। उसी को रिड्यूस करने के लिए रिपीटर बीच बीच में लगा रहता था पोल में, ठीक है। तो यही इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, केबल टीवी में पहले यूज़ होता था। अभी यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज देखो रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का, इट इज़ यूज्ड टू रीजनरेट द वीक सिग्नल। इसका यूज़ हम करते हैं वीक सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है रिपीटर नेटवर्क डिवाइस का। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ चीपर देन अदर नेटवर्क डिवाइस। ये ना बहुत सस्ता होता है दूसरे नेटवर्क डिवाइस के मुकाबले, जैसे हब, स्विच, राउटर, इन सभी के मुकाबले रिपीटर काफ़ी सस्ता होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिपीटर्स हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ सिग्नल। रिपीटर के पास ये एबिलिटी होता है कि वो आपके सिग्नल के लेंथ को इनक्रीज़ कर सकता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो सिग्नल है वो आया, उसके बाद वो लो हो गया, तब इसके बाद अगर आप ले जाएंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर एक रिपीटर लगा देंगे तो वो फिर इतना दूर तक आएगा। फिर अगर आप यहाँ पे एक और रिपीटर लगा देंगे तो फिर वो उतना दूर तक जाएगा। तो आपके सिग्नल का जो लेंथ है वो बढ़ता ही जाएगा रिपीटर की मदद से, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है एडवांटेज का, इंक्रीज या फिर आप बोल सकते हैं मेंटेन द सिग्नल परफॉर्मेंस। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल के परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए 10 मीटर तक ये हमारे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग रख रहा है, तो फिर यहाँ पे लगा दोगे ना, फिर 10 मीटर तक वो मेंटेन रखेगा परफॉर्मेंस को। फिर अगर यहाँ आ गया तो फिर 10 मीटर तक वो सिग्नल मेंटेन रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज हो गया हमारा रिपीटर का। डिसएडवांटेज क्या है इसका यूज़ करने का,
इट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिपीटर आफ्टर सम डिस्टेंसेस। जैसा कि मैंने ही बताया कि रिपीटर ना बहुत ज़्यादा चाहिए होगा अगर आपको अपने सिग्नल का लेंथ बढ़ाना है। यहाँ से यहाँ में मान लीजिए एक रिपीटर लग रहा है, तो आगे जाने के लिए एक और रिपीटर आपको चाहिए, तभी आपका जो सिग्नल है वो इस तरह से आगे ट्रैवल करता रहेगा। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए होगा आपको अगर लेंथ बढ़ाना है अपने सिग्नल का। सेकेंड क्या है, रिपीटर्स आल्सो अनेबल टू कनेक्ट डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। रिपीटर क्या करता है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करता। इसमें एनालॉग और डिजिटल नेटवर्क होता है, ठीक है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नल में रिपीटर डिवाइस यूज़ करें तो एनालॉग वाले केस में इसको नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज होता है। थर्ड क्या है, दे कैन नॉट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। हमारा जो रिपीटर है वो है ना, वो नेटवर्क के ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं करता है। मान लीजिए केबल टीवी का ही एग्जांपल, आप एक रिपीटर लगा दिए हैं और उसमें 10 टीवी चला रहे हैं, अगर आप 15 टीवी भी चलाएंगे तो रिपीटर थोड़ी ना आपको मना करेगा, बस आपका सिग्नल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि ये आपको नहीं बोलेगा कि आपको इतना ही टीवी चलाना है अच्छे सिग्नल के लिए। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ रिपीटर नेटवर्क डिवाइस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।